ऑनलाइन खुद से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो बट और एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। बट इस दोनों का जो कॉस्ट होता है टूरिस्ट वीज़ा के केस में वो दोनों का कॉस्ट सेम ही होता है। सो आई वुड स्ट्रांगली प्रीफर कि आप थ्रू एजेंट करवाएं और वो भी ऐसा एजेंट जो आपके घर के आसपास में अपना ऑफिस लेके बैठा है। यानी कि कोई ऑनलाइन एजेंट्स को आप अपना पैसा मत दो क्योंकि इस केस में फ्रॉड भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि दुबई में कितने टाइप्स के वीज़ा होते हैं और अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हो तो आपको कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल टू द एंड। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों की ये कन्फ्यूजन है कि दुबई एक्चुअली है क्या। तो ये कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए मैं आप सबको कह दूँ कि दुबई एक्चुअली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक मोस्ट क्राउडेड सिटी है, ये कोई स्टेट है। और दुबई में 90% इमिग्रेंट्स रहते हैं जो दूसरे देश से आके यहां पे बस चुके हैं। सो अगर अब आप प्लान कर रहे हो दुबई आने के लिए तो दुबई के लिए टोटल 5 टाइप के वीजा होते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। टूरिस्ट वीजा विथ मल्टीपल एंट्री, जॉब सर्च वीजा, उसके बाद आता है यूएई रेसिडेंस वीजा एंड लास्ट में आता है गोल्डन वीजा। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि व्हाट इज टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा 30 डेज का होता है। सो अगर आप दुबई घूमने आने के लिए प्लान कर रहे हो या तो दुबई के कुछ नजदीकी शहर जैसे अबू धाबी घूमने आने के लिए प्लान कर रहे हो तो टूरिस्ट वीजा आपका लिए बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज इसमें आपको 30 डेज का स्टे मिलता है एंड इसका कॉस्ट अराउंड अगर हम इंडियन रुपीज में देखने जाए तो 6,000 से 8,000 रुपए के बीच में होता है। नाउ द सेकंड इज टूरिस्ट वीजा विथ लॉन्ग स्टे। टूरिस्ट वीजा विथ लॉन्ग स्टे में आपको 90 डेज का स्टे मिलता है एंड ऑब्वियसली ये भी सिंगल एंट्री वीजा है और अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो अराउंड 15,000 से लेके 19,000 रुपए तक की रकम में आपको ये मिल सकता है। एंड टूरिस्ट वीजा विथ लॉन्ग स्टे, इसको हम जॉब सर्च वीजा भी बोलते हैं क्योंकि जो लोग यहाँ पे आके सेटल होने के लिए प्लान कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली पहले एक जॉब चाहिए। तो 3 महीने का जो ये वीजा है मोस्ट प्रोबेबली सब लोग यही प्रीफर करते हैं। ये 3 महीने का वीजा लेके लोग यहाँ पे आते हैं एंड दे सर्च फॉर द जॉब एंड वंस दे गॉट द जॉब तो उनकी कंपनी जो है वो उनको स्पॉन्सर करती है और उनको यूएई रेसिडेंस वीजा दिलाती है। सो दिस इज द नेक्स्ट वीजा, यूएई रेसिडेंस वीजा। यूएई रेसिडेंस वीजा का जो कॉस्ट है वो वेरी करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो और ये वीजा 2 से 3 साल का होता है। पर ये जरूरी नहीं कि कोई कंपनी ही आपको स्पॉन्सर करे तो ही आपको यूएई रेसिडेंस वीजा मिलेगा। आप खुद से भी यूएई रेसिडेंस वीजा अप्लाई कर सकते हो अगर आप प्लान कर रहे हो बिजनेस करने के लिए। यूएई रेसिडेंस वीजा के अंदर आप यहां पे जितना मर्जी चाहो रुक सकते हो बट एक बार यूएई देश छोड़ने के बाद अगर आप वापस आ रहे हो तो इसका टाइमिंग होता है 6 महीना। 6 महीने में आपको एक बार वापस आना होता है और यहां पे स्टैंपिंग करवाना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये जो यूएई रेसिडेंस वीजा है वो एक्सपायर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीजा विच इज यूएई टूरिस्ट वीजा विथ मल्टीपल एंट्री। हाल ही में यूएई ने एक नया वीजा लॉन्च किया है जिसमें आप 5 साल के लिए यूएई का वीजा ले सकते हो और इसमें आप मल्टीपल एंट्रीज के साथ जितनी बार चाहो उतनी बार आ जा सकते हो। बट इसमें आपको जितनी भी बार आप यहाँ पे यूएई में स्टे करते हो तो हर टाइम पे 90 डेज तक आप यहाँ पे रुक सकते हो। दिस इज बेसिकली सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीजा जिसमें आपको कुछ बैंक बैलेंस दिखा के यूएई गवर्नमेंट को ये शो करना होता है कि यहाँ पे रहने के लिए आप कैपेबल हो एंड दे विल ग्रांट यू दिस वीजा फॉर 5 years। अब आता है सबका बाप गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा एक्चुअली 10 साल का होता है और ये किन किन लोगों को मिलता है? ये मिलता है इन्वेस्टर्स को, कुछ स्पेशल टैलेंट्स को जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर्स और कुछ ऐसे चुनिंदा स्टूडेंट्स जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आए हैं, ये लोग एलिजिबल है गोल्डन वीजा अप्लाई करने के लिए। इन एडिशन टू दैट अगर आपको यहाँ पे कोई रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आपकी सैलरी 30,000 दिराम से ज़्यादा है तो आप भी एलिजिबल हो गोल्डन वीजा अप्लाई करने के लिए। जो सबसे बेस्ट और मॉनिटरी बेनिफिट है गोल्डन वीजा का वो ये है कि आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस और विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रोसीजर आप अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हो जिसमें आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स सब इंक्लूडेड है। और यहाँ पे कुछ केसेस में ये भी लिखा है कि जो गोल्डन वीजा होल्डर पर्सन है अगर कुछ कारणवश उसकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर्स जब तक ये गोल्डन वीजा वैलिड है तब तक यूएई में रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो 5 वीजा के अलग अलग टाइप जिसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज करके दुबई में या तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कोई भी शहर में आप एंट्री ले सकते हो। और ये जो डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है वो डिपेंड करता है कि आने वाले कुछ टाइम में अगर गवर्नमेंट के कुछ लॉज चेंज होते हैं तो ये डिटेल्स में भी कुछ चेंज
आ सकता है। सो मेक श्योर कि आप जब भी यूएई को विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो एक बार गवर्नमेंट की साइट, जो ऑफिशियल साइट है, उसके ऊपर, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसके ऊपर आप जाके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। एंड यहाँ पे एक जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि ऑनलाइन खुद से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो बट और एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो, बट इस दोनों का जो कॉस्ट होता है टूरिस्ट वीज़ा के केस में, वो दोनों का कॉस्ट सेम ही होता है। सो आई वुड स्ट्रांगली प्रीफर कि आप थ्रू एजेंट करवाएं, और वो भी ऐसा एजेंट जो आपके घर के आसपास में अपना ऑफिस लेके बैठा है। यानी कि कोई ऑनलाइन एजेंट्स को आप अपना पैसा मत दो, क्योंकि इस केस में फ्रॉड भी हो सकता है और हुए भी है जो हमारे नॉलेज में है उस हिसाब से। सो मेक श्योर कि आप कोई फिजिकल लोकेशन पे जाए, अपना पैसा जमा कराए और वहां से वीजा के लिए अप्लाई करें। और मोस्टली केसेस में आपको 48 आवर्स तक वीजा गारंटेड मिल ही जाएगा। सो आई नो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू विजिट यूएई इन नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स।